बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आ रहे थे घर पर मेहमान, तो सोचा क्यों नहीं आपके साथ भी वो रेसिपी शेयर कर दी जाए। और आज हम बना रहे हैं दानेदार कोरमा, और इतना ज़बरदस्त कोरमा है ना कि आप बाहर के जो कोरमे जो खाते हैं ना उसको बिल्कुल भूल जाएंगे आप। तो आइए चलिए इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ हमने क्या किया था, हमने पहले से एक स्टेप हम कर चुके थे। तो हमने क्या किया था, एक कप हमने डाला था घी। हम ऑयल नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि कोरमा जो है ना वो घी में बहुत अच्छा बनता है। अगर आप घी नहीं यूज़ कर सकते तो कोई बात नहीं, ऑयल डाल दीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने किया कि हमने प्याज हमने ली और उसको स्लाइस में हमने काट के सिंपल हमने क्या किया, उसको लाइट ब्राउन हमने गोल्डन सा कलर दे के, मतलब क्रिस्पी सी हो जाए, उसको निकाल के हमने उसको ठंडा कर लिया प्याज। ये हमने एक प्रोसेस हम कर चुके हैं। फिर इसमें हमने शामिल कर दिया है यहाँ पर 1 किलो हमने बीफ यूज़ कर रहे हैं। हम मटन भी ले सकते हैं आप, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उस घी में हमने इसको गोश्त को जो है ना हमने अच्छी तरह से क्या कर लिया, हमने इसको फ्राई कर लिया ताकि कच्चापन था इसका गोश्त का वो ख़त्म हो जाए। और फिर साथ हमने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट था, 3 टेबल स्पून हमने डाला इसमें, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है ना वो कोरमे में जो है ना बहुत अच्छा एक फ्लेवर देता है, और उससे क्या होता है गोश्त की एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। हमने यहाँ पर गोश्त को इतना हमने भूनना है कि गोश्त जो है ना उसका कलर चेंज हो जाए और जो इसका पानी था गोश्त का वो खुश्क हो जाए। और यहाँ देखिए आपको नज़र भी आ रहा है, देखिए पानी कितना इसका खुश्क हो जाए, ड्राई हो चुका है ना। बस अब हमने क्या करना है, इसमें हमने शामिल कर दी है 6 आपने लेनी है छोटी हरी मिर्चें, जो तेज़ वाली जो हरी मिर्च होती है वो हमने यहाँ ली। 10 हमने ली है, सॉरी 6 नहीं 10 हमने लेनी है यहाँ पर हरी मिर्चें, क्योंकि हमारे पास 1 किलो बीफ है इसलिए, ठीक है। हमने इसको इस तरह से मोटा मोटा क्रश कर लें। पेस्ट है आपके, आप पेस्ट भी आप शामिल कर सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। बस इसको ये हमने शामिल किया, इसको हमने मिक्स कर देना अच्छी तरह से। और ये हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है कोरमे में इसका, ठीक है। तो अब देखा हमने अच्छी तरह मिक्स कर दी। अब आप इसके अंदर कोई भी एनी ब्रांड आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं कोरमा मसाला। इंशाल्लाह ताला आपके साथ हम कोरमा मसाले की जो घर में बिल्कुल रेसिपी जो है ना इसकी शेयर करेंगे, होममेड इतना ज़बरदस्त बनता है ना। लेकिन हमारे पास ख़त्म हो चुका था, ईद पे दावतें हुई है वो, तो वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए मेहमान आ रहे हैं अचानक, तो हमने कहा क्यों नहीं चले इसी से आज गुजारा कर लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या शामिल कर दिए, 2 पैकेट हमने ले लिए थे यहाँ पे कोरमा मसाला के, कोई से भी आप ब्रांड के आप ले सकते हैं, ठीक है। वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। और आपको पता है कि जो आते हैं जो 25 रुपये तक के आते हैं, तो वो होते हैं 1/2 किलो के वो होते हैं पैकेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 यूज़ किए हैं, तो हमने 2 इसमें शामिल कर दिए। और आप यहाँ पर देखिए इसको हम अच्छी तरह से क्या करेंगे, आप भून लेंगे ताकि एक ऑयल जो है ना वो इसका रोगन ऊपर आ जाए। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और इस वक्त देखिए खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना कि हम बता नहीं सकते आपको, बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर आ रही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, गोश्त यहाँ पर कच्चा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं प्रेशर कुकर में, तो इससे क्या हो जाता है जल्दी, बहुत जल्दी बन जाता है खाना, तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है इसलिए। बस हमने 10 मिनट तक अच्छी तरह से हमने इसको मसाले के साथ बिल्कुल हमने भूना है ताकि हमारा रोगन बिल्कुल ऊपर आ जाए और मसाला जो था वो बिल्कुल भून जाए, ठीक है। अभी देखिए हमने इसमें कुछ भी और कोई चीज़ हमने शामिल ही नहीं की है इसमें। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 2.5 गिलास हमने इसमें शामिल कर दिया है पानी, और इसको प्रेशर इसका लगा के हम इसको कम से कम इसको 1/2 घंटे के लिए हमने इसको कुक करना है। आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त कितनी जल्दी कुक हो जाता है, ठीक है। अगर मटन आप यूज़ कर रहे हैं तो मटन के लिए आप हार्डली 10 मिनट्स 12 मिनट्स बहुत होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे गुजर चुके थे 25 मिनट हमारे हो चुके थे, हमने इसको खोल के हमने चेक किया तो हमारा गोश्त बिल्कुल बेहतरीन क्या हो चुका था, वो डन हो चुका था, ठीक है। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इसके गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी इसकी आ गई है, और गोश्त बिल्कुल यहाँ पे डन है। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 कप या 1 पाउच या 25 ग्राम जो है ना, या 20-50 ग्राम जो आप ले सकते हैं इसमें दही, वो हमने शामिल किया। इसको क्या करेंगे, अब अच्छी तरह से इसकी होगी भुनाई, ठीक है। सारी कोरमे का जो होती है ना, जो इसकी जान जो होती है उसकी होती है भुनाई की। और यहाँ देखिए मैं 3 जो प्याज हमने ली थी उसको देखिए इस तरह से हमने क्या कर लिया था, बिल्कुल क्रश आपने करना है हाथों से, आपने इसको बिल्कुल दानेदार आपने कर लेना, इसको मशीन में या किसी और चीज़ में आप मत करिएगा, वरना कोरमे की वो जो रंगत होती है या वो जो शक्ल होती है दानेदार जो होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ हमने शामिल कर दी है जो ब्राउन प्याज थे, हम ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है रोगन जो है ना ये ऊपर ना आ जाए, तो इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे।
और जिसने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ हमें फॉलो कर दीजिए, और जिसने अभी तक हमें लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें कर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, खाना खजाना विद सारा के नाम से हमारा वहाँ पेज है। और यहाँ आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई कि हमने कम से कम 15 मिनट हमने इसको भूना है बिल्कुल फ्लेम पे, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह से हमने भून ली। उसके बाद जो इसका एक सीक्रेट जो इंग्रेडिएंट होता है ना वो होता है दूध, फिर हमने इसमें शामिल कर दिया 1 कप दूध। और आप देखते हैं ना कि आप कहते हैं कि यार ये देग वालों के क्या ऐसे कुछ डालते, सब मलाईदार एक कोरमा होता है, एक दानेदार, उसकी रंगत एक अलग होती है। और आप ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा यहाँ कोरमा जो है ना वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो दूध था। और यहाँ देखें हमने इसको सर्व कर दिया, ज़बरदस्त हमारे दानेदार कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका रोगन देख सकते हैं आप, इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह से इसको एंजॉय करें हम नान के साथ, कुलचों के साथ, पराठों के साथ। और इंशाल्लाह तो मुझे याद रखिएगा, दुआ में फिर हाजिर होंगी आपके साथ एक नई और सिंपल और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।